गुड आफ्टरनून एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम विज्ञान में पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने देखा कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं और ये एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर इनका ज़्यादा दोहन किया जाए, ज़्यादा उपयोग किया जाए, तो एक वक्त क्या आएगा जब ये साधन क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और इनको बनने में कई लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उनमें फिर हमने कोयले के बारे में पढ़ा था और कोयले की कहानी हमने पढ़ना शुरू की थी। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि पृथ्वी के भीतरी भाग में जब ऊष्मा और ताप ज़्यादा होता है तो वहाँ उपस्थित जीवाश्म और पेड़ पौधों के सड़े गड़े गले पदार्थ किसका रूप ले लेते हैं, ज़्यादा ताप के कारण कोयले का रूप ले लेते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये कोयले की खदान का चित्र है। और फिर हमने पढ़ा था कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। फिर जब उद्योग में कोयले का प्रक्रमण किया जाता है तो उत्पादन होता है और उसमें क्या क्या उत्पाद हमारे सामने आते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब हम पढ़ेंगे कोक। कोक क्या है? यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग हम करते हैं। ये कैसा पदार्थ है? कठोर है, सरंध्र है और काला। इसके बाद आता है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। इस प्रकार का पदार्थ होता है कोलतार। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार में प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। रोचक तथ्य क्या है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है और इसको प्रयोग में लाने वाली नेफ्थलीन की गोलियों को भी कोलतार से ही प्राप्त किया जाता है। जो नेफ्थलीन की गोलियां मिलती हैं वो इसी से बनी होती हैं। आजकल जो पक्की सड़कों का निर्माण किया जाता है उसमें भी कोलतार का के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग होता है। पहले कोलतार का उपयोग होता था लेकिन अब किसका होता है? पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का। अब आता है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला यानी कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निष्कर्षण यानी निकट के स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटर और कारों में होता है। पेट्रोल के बारे में तो सभी जानते हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हम करते हैं। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम में आते हैं और ये ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पैट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल से हुई, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है? तो आइए हम देखते हैं कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम कहाँ से मिला है हमें? समुद्र में रहने वाले इसके समुद्र में जो जीव रहते हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। जब ये जीव मृत हुए यानी मर गए, इनके शरीर समुद्र में पैंदे में जाकर जम गए, फिर रेत मिट्टी की तहों से ये ढक गए और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने
जो मृत जीव थे, जो मरे हुए जीव थे, उनको पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से इनका निर्माण हुआ, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडार है। ये तेलाशय चट्टान है, ये जल है, फिर तेल, फिर गैस और अप्रवेशी चट्टान है ये। इस तरह से ये कुएं बना दिए जाते हैं और यहाँ से इनको निकाला जाता है समुद्र की गहराई में से। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को भी दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? तो तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात दी है कि विश्व का जो पहला तेल का कुआ है वो पेंसिल्वेनिया यानी अमेरिका में 1859 में प्रवेधिक यानी ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल कहाँ कहाँ है? असम, गुजरात, बॉम्बे हाय और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में ये तेल पाए जाते हैं, पेट्रोलियम तेल पाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रकार से होता है? तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, जो बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। इसमें से अलग अलग इसको परिष्करण किया जाता है। ये इस प्रकार से होता है। ये इसका एक चित्र भी यहाँ पर दिया है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग नीचे सारणी में दिए हैं, जिसे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।